जानो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं, राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर पाठशाला हूँ मैं, मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई, देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। ऐसा लगता है अब नींद से मैं सो गई। प्यार की एक टपक से जगा लो, मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की, तू है वतन। मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की, ऐ वतन। दूंगी तुझको मैं हर चीज, तू मुझको चुन। अपने सीने से एक बार लगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू, मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ से शुरू, मैं कहाँ आ गई। सर जमी से चढ़ते आसमां पा गई। वो हसी पल मेरा फिर लौटा दो, मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। तेरी कविता हूँ मैं, हूँ कलम मैं तेरी। तेरी कविता हूँ मैं, हूँ कलम मैं तेरी। मैं तो बन के रहूँ हर जन्म तेरी। देखिए, अपने दोस्त अरसद बना लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बजा लो मुझे। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद आरती जी। इसके बाद हमारे बीच अपने विचारों के साथ प्रस्तुत हो रही है रिताक्षी, कक्षा 10वीं से। रिताक्षी, देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। भांति भांति की भाषा आती, पर हिंदी सबको भाती। शर्म नहीं सम्मान है, हिंदी ही हमारा अभिमान है। सोंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। इसी के साथ नमस्कार।
बहुत अच्छे रिताक्षी, आपने बहुत ही अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए, और इसके पश्चात और मैं अपनी विद्यालय की अध्यापिका हिंदी विभाग की ब्रिजवाला अपनी प्रस्तुति के लिए श्रीमती ब्रिजवाला जी हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, लोगों में और अपने आप में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। परम योग्य आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक मेरी आप सभी को हिंदी दिवस की तथा ऐतिहासिक शिव स्नान व शाही शिव नॉन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, आज हिंदी दिवस के साथ साथ बहुत ही अच्छा दिन है, आज शाही शिव नवमी। तो भगवान शिव की कृपा सदैव आप पे बनी रहे और आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। राजभाषा है हिंदी, राजभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। करने को संरक्षण इसका, करने को संरक्षण इसका, हम तन मन धन सब दे देंगे, हम तन मन धन सब दे देंगे। करने को इसकी रक्षा हित, करने को इसकी रक्षा हित, हम जान निछावर कर देंगे, हम जान निछावर कर देंगे। है ये वतन हमारा हिंदी, है ये वतन हमारा हिंदी, हिंदुस्तान इसे हम कहते हैं, हिंदुस्तान इसे हम कहते हैं। राजभाषा है अपनी हिंदी, राजभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे रखा, एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे रखा, ऐसा काम ये करती भाषा, ऐसा काम करती है भाषा। भिन्न भिन्न धर्म और जाति में एकता का दम भरती भाषा, भिन्न भिन्न धर्म और जाति में एकता का दम भरती भाषा। है हिंदुस्तान पे नाज हमें, है हिंदुस्तान पे नाज हमें, हम प्यार बहुत करते हैं इसे, हम प्यार बहुत करते हैं इसे। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। विविधता में है एकता, विविधता में है एकता, पर है ये बहुत ही प्यारी भाषा, पर यह है बहुत ही प्यारी भाषा। चारों दिशाओं में गूंजे ये भाषा, चारों दिशाओं में गूंजे ये भाषा, एक साथ ये मिलाती सबको, एक साथ ये मिलाती सबको। इसी के कारण हम सब एकता में बंधे हुए हैं, इसी के कारण हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसी है हमारी राष्ट्रभाषा, ये है हमारी मातृभाषा, इसे प्यार बहुत करते हैं हम, ये है हमारी हिंदी भाषा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद ब्रिजवाला जी, बहुत अच्छी आपने कविता प्रस्तुत की। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अफशा को, दसवीं कक्षा से अफशा मलिक। अफशा, विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवाड़ी है, इसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अफशा मलिक, दसवीं अ कक्षा की छात्र, आज आपके सामने हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत देश विभिन्न जाति धर्मों एवं संस्कृति का देश है, जहाँ कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है। ऐसे में यदि किसी देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा ना हो तो देश में एकता की कल्पना करना असंभव है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, जिसमें राष्ट्रभाषा के धागे से सब एक साथ पढ़ने लगे। लेकिन राष्ट्रभाषा होते हुए भी इसे वह दर्जा नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था। भारत में मुगलों और अंग्रेजों ने भी राज किया और यही इसका कारण भी हो सकता है। कुछ हद तक हम हिंदी भाषा का प्रयोग करने में अपने आप को छोटा मानते हैं और अंग्रेजी प्रयोग करने में बड़प्पन समझते हैं। हमें इस मंच के लिए को सुधारना होगा और यह कार्य अपने घर से ही शुरू करना होगा, अन्यथा एक दिन हम अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा को समझने के लिए इंटरनेट की सहायता लेंगे, और जो हमने शुरू भी कर दिया है। हिंदी माध्यम के विद्यालयों के अतिरिक्त
अन्य किसी विद्यालय में हिंदी को इतना बढ़ावा नहीं मिल पाता। हमें बच्चों को हिंदी की किताबें पढ़ने एवं हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह आदत है जो बचपन से ही विकसित हो जानी चाहिए। आगे पढ़ेंगे हिंदी लिखेंगे हिंदी पढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी को आपके मंगल बहुत अच्छे अक्षा, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी बेटा। इसके पश्चात सृष्टि ठाकुर कक्षा नौवीं से अपने विचारों के साथ हमारे बीच आ रही हैं। सृष्टि ठाकुर कक्षा नौवीं से। यस मैम। मन की भाषा प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। इसी के साथ नमस्कार, मैं सृष्टि ठाकुर कक्षा नौवीं की छात्रा। आज हिंदी भाषा के उपलक्ष्य पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक जाति धर्म और भाषा भाषी निवास करते हैं। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, उसके बहुत जल्द देवनागरी लिपि जो आज हिंदी के नाम से जानी जाती है उसका अस्तित्व पाया। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से सबसे सरल है। हिंदी हर एक भारतीय को आनी चाहिए क्योंकि इसमें हमें जीवन के आदर्श सिखाए हैं। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, परंतु उसको आधिकारिक कामकाजों में अंग्रेजी ही का को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज के समय में हिंदी भाषा सिर्फ नाम मात्र की के लिए ही श्रेष्ठ रह चुकी है। उसका महत्व हिंदी लोग भूलते जा रहे हैं। हम सभी हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। शर्म नहीं, सम्मान करो। हिंदी ही हमारे अभिमान, हिंदी का भी अभिमान करो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सृष्टि बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए। और इसके पश्चात जैसे कि हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम छोर पर है और कुछ चंद पंक्तियां जो मेरे हृदय की गहराइयों से निकल कर बाहर आई हैं, सच में हिंदी भाषा सम्मान की होती है, लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा महसूस किया है और बहुत से स्थानों में ऐसा मतलब मैं कभी कुछ मेरे हृदय का कुछ दर्द है हिंदी भाषा के प्रति, तो उससे मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुझे माफ कीजिएगा यदि मेरी पंक्तियों से किसी को आहत हो या कुछ, लेकिन ये कुछ मेरे हृदय का दर्द है हिंदी के प्रति, तो उसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। आदरणीय पठानाचार्य जी, आपसे अनुमति चाहूंगी। यस आप। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। हिंदी है मातृभाषा हमारी, हिंदी है मातृभाषा हमारी, लेकिन बन गई है यह भाषा बेचारी, लेकिन बन गई है ये भाषा बेचारी। जन्म स्थान है जहाँ इस भाषा का, जन्म स्थान है जहाँ इस भाषा का, वही दम तोड़ रही है ये भाषा बेचारी। देख इस भाषा की लाचारी, कांप रही है यह भारत भूमि हमारी। देख इस भाषा की लाचारी, कांप रही है भारत भूमि हमारी। हिंदी है मातृभाषा हमारी, लेकिन बन गई है यह भाषा बेचारी। अमृत रस से भरी है यह सारी, अमृत रस से भरी है यह सारी, दूर करती है यह भेदभाव की बीमारी। लेकिन क्यों भूल रही है यह बात हमारी युवा पीढ़ी सारी, लेकिन क्यों भूल रही है यह बात हमारी युवा पीढ़ी सारी। हिंदी है मातृभाषा हमारी, हिंदी है मातृभाषा हमारी, लेकिन बन रही है यह भाषा बेचारी। आओ मिलकर दूर करें यह लाचारी, आओ मिलकर दूर करें यह लाचारी, अन्यथा दम तोड़ जाएगी यह भाषा हिंदी हमारी। हो जाएगी इतिहास के पन्नों में यह भाषा हमारी, हो जाएगी इतिहास के पन्नों में यह भाषा हमारी। हिंदी है मातृभाषा हमारी, हिंदी है मातृभाषा हमारी। धन्यवाद। और इसके पश्चात आदरणीय प्रधानाचार्य जी से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वे हमें अपने आशीर्वचन के साथ हमारा प्रोत्साहन भी करें और हमें प्रेरित करें तथा अपने शब्दों के साथ सबको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। प्रिय शिक्षक व प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम पिछले 13-14 दिनों से कोई ना कोई विषय लेकर के हिंदी के
प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग करें, उसके लिए अलग अलग गतिविधियों के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। आज जितने भी बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी, हालांकि आप सभी की परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के दौरान इतना समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो एक बार आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया और जुड़े रहे और अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी। चाहे किसी ने भाषण दिया, कविताएँ पढ़ी, दोहा वाचन किया, कथा सुनाई, तो हर बच्चे ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें जो कार्यक्रम में हमें थोड़ा सा रखनी चाहिए और हमें जो कार्यक्रम है उसके बारे में समझना चाहिए कि किस विषय पर है, तो जो विषय है उस विषय के साथ ही हमारी वेशभूषा भी होनी चाहिए, उसी के साथ जो संदर्भ में जो भी हमारा कोई भी विषय होता है वो भी उसी से संबंधित होना चाहिए और हमारा जो पूरा केंद्र बिंदु है वो भी विषय पर रहना चाहिए। सचमुच ही आज हिंदी भाषा को संरक्षण की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि कुछ एक जो स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क खोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह से आज हमें अपने भारत देश में ही ये महसूस हो रहा है कि हिंदी भाषा को भी संरक्षण की जरूरत है, तो हम ये संरक्षण हम कैसे दे सकते हैं। भाषा के लिए संरक्षण तो यही है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रेरित करें कि इस भाषा का वो प्रयोग करें, और जितना प्रयोग में भाषा रहेगी वो जीवित रहेगी, तो उसका प्रयोग नहीं होगा तो वो जीवित नहीं रहेगी। तो आज के दौर में सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है कि हम इस भाषा का इस्तेमाल करके क्या हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हिंदी भाषा को अपनाते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे, अवश्य ही आप कामयाब होंगे। भारत में जो ये भाषा है इसका बहुत बड़ा साहित्य जो है वो उपलब्ध भी है और इसमें काम किया भी जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि आप इसी भाषा को सीख करके कितने गीतकार हैं, कितने संगीतकार हैं, कितनी फिल्में लिखी जाती हैं, उनकी कथाएँ लिखी जाती हैं, वो कौन लिखता है, क्या उन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, क्या कहानियों की किताबें जो है वो बिकती नहीं है, या नोवेल लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, क्या वो किताबें क्या बिकती नहीं है। आप कितनी ही सभाएं सुनते होंगे, वहाँ पर जो प्रवक्ता होता है वो हमेशा ही हमने देखा है कि हिंदी में ही बात करता है और उसमें बात करने की कला होती है, और उसी कला के बलबूते पे वो हर दिन 50,000 1,00,000 रुपये 1 घंटे के लिए करके चला जाता है, जबकि एक सरकारी नौकरी में 1,00,000 कमाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा, तब वो पैसे आपको। तो किसकी ताकत है, ये इसी भाषा की ताकत है। आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना होगा, विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, उन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में जा कर के भी, उनको ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी नहीं आती थी, वो अंग्रेजी बोल सकते थे, उन्होंने हिंदी को ही अपनाया और अपना पूरा का पूरा जो भाषण था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और विवेकानंद जी ने विदेशी धरती पर जा कर के हिंदी में ही दी, और सब लोग उस भाषण से इतने प्रभावित हुए कि पूछो मत। हिंदुस्तान को उसकी वजह से जो थी वहाँ पर जा कर के जो था वो रिकॉग्निशन मिली, पहचान मिली उनको वहाँ पर जा कर के, हम बात भी लगे। तो ताकत जो है आदमी की भाषा शैली में होती है, उसके विचारों में होती है कि जो विचार उसमें पनपते हैं वो आप किस भाषा में बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, भाषा जो है उनको एक अभिव्यक्ति का जरिया है, और जितने अच्छे विचार, जितने सुदृढ़ विचार आप लोगों के होंगे, आपकी जो भाषा की जो पकड़ है, आपकी जो भाषा का जो प्रभाव लोगों को है वो उतने ही लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो, जितना ज्ञान आपके पास होगा तो उतने ही अच्छे तरीके से आप उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जो हिंदी का जो साहित्य है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें,
हिंदी से जो संबंधित जो कार्यक्रम है उनका ज्यादा से ज्यादा जो है आयोजन होना चाहिए। और शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि जब वो कक्षा में जाते हैं तो हिंदी का ही इस्तेमाल करें। मैंने बहुत बार जब कॉपियां चेक की हैं आप लोगों की, जो आप लिखते हैं आंसर शीट एग्जाम के बाद देखी है, वहाँ पे अगर कोई आप लोगों ने कोई पत्र लिखा होता है या निबंध लिखते हैं तो उसमें देखा है बहुत सारे जो शब्द हैं आप लोग अंग्रेजी के भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये सब तब आते हैं, क्यों आते हैं, जब हम उनको अपनी जो व्यवहारिक भाषा है उसमें लाते हैं तभी ये सारे शब्द जो है लिखती बार भी वही प्रयोग होते हैं। आप देखते हैं कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, तो लिखती बार गलतियां क्यों होती है, क्योंकि हम बोलते गलत हैं, हमें अच्छे से वो पढ़ना नहीं आता है, हमें जब पढ़ने अच्छे से नहीं आएगा उसका उच्चारण अच्छे से नहीं आएगा वो हम जब लिखेंगे तब हम वैसे ही बहुत सारी गलतियां उसमें करेंगे। तो अपनी भाषा सीखना, अपने देश की भाषा सीखना कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। हमें अच्छी हिंदी के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी भी आनी चाहिए, अच्छी फ्रेंच हमें बोलनी आनी चाहिए, जर्मन हम बोलें, जो भी भाषा जितनी भाषा सीखी जाए उतनी कम। उसके साथ साथ मैं तो ये भी चाहूँगा कि हमें अपनी स्थानीय भाषा भी आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे जो स्थानीय भाषा है उनमें भी है, उनका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जितना हमें भाषाएँ आएगी उतना ही हम उस देश की उस समाज की संस्कृति को समझ पाएंगे। और संस्कृति समझना जो है बहुत जरूरी है, संस्कृति से ही आदमी है, और ये सारी संस्कृति हमें जो है विरासत में मिलती है, और संस्कृति है जो आदमी को मजबूत बनाती है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, उसको जो है श्रेष्ठ बनाती है। जितनी श्रेष्ठ हमारी संस्कृति होगी उतने श्रेष्ठ ही हम लोग होंगे, और उतना सुदृढ़ ही हमारा राष्ट्र उतनी अच्छी पहचान इसकी देश और दुनिया में। तो हमें हिंदी का प्रचार प्रसार जरूर करना चाहिए, हम इसको किसी को थोपना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ऐसे प्रेरित करना चाहिए कि लोग इसके इस्तेमाल करने के लिए अपने आप आगे आए। और वो तब होगा जब हम इसको एक प्रभावशाली तरीके से इसको पढ़ाएं भी, लिखना भी सिखाएं और बच्चों को बोलना भी सिखाएंगे, तो स्वतः ही लोग इस भाषा की तरफ आकर्षित भी होंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। इन सबके साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे हिंदी विभाग के सभी अध्यापकों का जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और बच्चों को इसके लिए जो है प्रेरित किया कि उस ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना भागीदारी निश्चित करें, और बच्चों ने भी बहुत खूबसूरती के साथ इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन की जो भागीदारी थी वो निभाई, बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी, चाहे कोई कम शब्द बोले हो पर बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर दी। तो एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आने वाला जो हमारा कार्यक्रम होगा और वो इससे भी सुंदर हो, अच्छा हो, और बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें अपने आप को तैयार करें, जिस तरह से मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेंगे। रिताक्षी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उसका विषय भी बहुत अच्छा था, उसमें विषय वस्तु भी उसकी ठीक थी और उसका जो प्रेजेंटेशन थी अभिव्यक्ति थी वो भी बहुत सुंदर मुझे लगी, सभी बच्चों की थी, उसने बहुत ही मतलब उसका जो विषय वस्तु सबसे ज़्यादा मायने रखती है और साथ के साथ उसको अभिव्यक्त करना वो भी अच्छा है। तो सभी ने अच्छा मतलब भाषण दिया, पावनी ने, रिधिमा ने, अधिका ने, और कोई नाम ऐसे छूट रहा हो तो सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन अच्छी थी और प्रभनूर ने बहुत अच्छा किया। देखो जैसे हमारा हिंदी का कार्यक्रम था तो उसकी जो वेशभूषा थी वो भी मतलब हिंदुस्तान की तरह थी, तो मतलब उसने वस्त्र पहन रखे थे वो भी वैसे थे, तो ये इन चीज़ों का एक अलग प्रभाव होता है, तो ये होना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे बच्चे जो थे वो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हमें अपनों से लगाव होना चाहिए, दूसरों से तब लगाव करें, अपनों से लगाव नहीं दूसरों से आप दिखाते रहो तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। जब हमें आदत हो कि हम अपनों से ही प्यार करें तो दूसरों से भी प्यार करने की आदत हमें पड़ जाती है, आदत बन जाती है दूसरों की भी इज्जत करने के लिए, तो ये होना चाहिए। हमें अपने देश से, हमें अपनी संस्कृति से, हमें अपनी भाषा के साथ जो है प्रेम होना चाहिए और हम
दूसरों का आदर करें, आदर करना ही एक किसी भी भाषा से देश के साथ में प्रेम करना है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी और बच्चों को भी। उन्होंने बहुत ही अपना जो एक कठिन समय है परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी है और अपनी प्रतियोगिता के लिए भी तैयारी करनी है। और बेटा हमें ऐसे ही बनना चाहिए, हमें मल्टी टास्कर होने चाहिए, हम बहुत सारे काम हम एक साथ कर सके, इसी को एजुकेशन बोलते हैं। इस तरह से हमने किस चीज को जो है मैनेज करना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते इसके पश्चात मेरा नम्र अनुरोध श्रीमती अर्चना ठाकुर जी से रहेगा कि वे शांत के पाठ के साथ इस कार्यक्रम का अंत करें। अर्चना जी। जी मैम, जी मैम, सभी रिसाइट करेंगे, सभी बोलेंगे गायत्री शांति पाठ मेरे साथ। आप ही बोलो मैम, नहीं तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। एक बोले बाकी सब म्यूट करके म्यूट करके बोलते रहे साथ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सामा शांतिरे श्रीव शांति सामा शांतिरे शांति शांति शांति। धन्यवाद अर्चना जी। तो इसके पश्चात मैं